नमस्कार, किरण्स किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में मुरमुरे का पोहा कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। 2 मिनट का समय लगेगा और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा। तो चलिए शुरू करें बनाना। फ्रेंड्स, ये मुरमुरे का पोहा बनाने के लिए मैंने लिए हैं थोड़े से मुरमुरे, और इसके बघार के लिए एक हरी मिर्च बारीक बारीक काट के रखी हुई है, थोड़ा सा मैंने कड़ी पत्ता लिया है, थोड़े से दाने मूंगफली के लिए हैं, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक काट के लिया है। सबसे पहले हम ये मुरमुरे हैं इसमें थोड़ा सा पानी हाथ से इसे छिड़क लेंगे, ताकि ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बस थोड़ा सा पानी, बस। ये मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही तेल डाला है, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी राई, जीरा, हरी मिर्च, मूंगफली डाल दूंगी ताकि ये थोड़ा सा टाइम लगे होने में। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि मूंगफली जल ना जाए। अब मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता, ये जो कटी हुई प्याज है, बस 2 मिनट तक हम इसको हिलाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत जल्दी बन के तैयार होता है नाश्ता, बनाने में बिल्कुल हमें समय नहीं लगता, बस ये 2 मिनट के टाइम में हमारी गोल्डन ब्राउन हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होने लगा है, मतलब ये कंप्लीट हो रहा है। हमने मुरमुरे में जो थोड़ा सा पानी डाला था, हम इसको देख लेते हैं, अच्छे से हिला लेते हैं, और इसको दबाकर हम देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। ये मुरमुरे सॉफ्ट हो गए हैं और ये भी हमारा तैयार है। अब हम इसमें हल्का सा मसाला डालेंगे, उसमें हमें ज़्यादा मसाला भी नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा मसाला। सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी, हरी मिर्च डली है इसलिए मैं लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डालूंगी, बिल्कुल 1 पिंच के करीब। नमक स्वाद के अनुसार, बस मसाला हमारा इतना सा ही इसमें रहेगा, इससे इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम 2-4 दाने इसमें शक्कर भी डाल देंगे, इससे इसका स्वाद और अच्छा लगेगा। अभी जो मुरमुरे हमने भिगा के रखे हुए, हल्के से पानी जो स्प्रे करके इसको डाला था, उसको डाल देंगे, अच्छे से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। ये इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर ही रखेंगे, क्योंकि मसाला हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये बस हिलाया मसाला ही तो मिक्स हुआ, तो ये कंप्लीट है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी से बनने वाला नाश्ता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, आप ज़रूर अपने घर पर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिर्फ 2 मिनट इसे हम स्टीम के लिए ढक देंगे। मैंने ये गैस बंद कर दी है, 2 मिनट हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनके तैयार है, और मुरमुरे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए इसलिए हमने इसे ढक दिया है। बस अब इसे बाउल में निकाल लेती हूँ, तैयार है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है, मुरमुरे का पोहा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मेरा ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए, और ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।